नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक टोकरा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। करेली में जमात पर टिप्पणी करने पर युवक की गोली मारकर की हत्या। नगर के करेली में दिन दहाड़े जमात पर टिप्पणी करने पर हुई हत्या का मुख्यमंत्री ने लिया संज्ञान। हत्यारे पर NSA लगाने के आदेश के साथ ही हल्का पुलिस पर लापरवाही बरतने को लेकर कार्रवाई का आदेश दिया। CM ने मृतक के परिजनों को 4,00,000 रुपए का मुआवजा देने का आदेश किया है। थाना करेली क्षेत्र ग्राम बक्सी मोड़ा लोटन निषाद पुत्र स्वर्गीय तुलसी निषाद को लगभग 9:30 बजे अखबार पढ़ते समय मोहम्मद सोना ने बात विवाद पर मौके पर ही गोली मार दी, जिससे लोटन निषाद की मौके पर ही मृत्यु हो गई। गोली मारने वाले युवक को गांव के लोगों ने मौके पर ही पकड़ लिया। लोगों ने पकड़े गए हत्यारे को मौके पर पहुंची पुलिस के हवाले कर दिया। प्रयागराज से कैमरामैन मनोज कुमार बिंद के साथ अजय पांडे की खास रिपोर्ट। सर, गोली मारी गई है, क्या पूरा मामला, क्या कार्रवाई की जा रही है? ये सुबह में अखबार पढ़ते हुए कुछ आपस में कहा सुनी हुई, यहाँ आसपास में 100 मीटर की दूर पे पड़ोस में आसपास में घर है, एक हिंदू पक्ष का घर है और वहीं पास में मुस्लिम पक्ष का घर है। उसी में अखबार पढ़ने के दौरान कहा सुनी हुई और कहा सुनी के बाद में सोनू नाम के और अन्य लोगों द्वारा हमला करते हुए लोटन निषाद नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई और इस हत्या के बाद 2 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। बाकी लोगों के लिए टीम की दबिश दी जा रही है और इसमें हम कठोरतम कार्रवाई NSA की कार्रवाई करेंगे। तो सर, ये तकनीकी जमात पर कमेंट करने का जो है मामला सामने आ रहा था, क्या कुछ बताइए? हाँ, यही हमारी जानकारी में भी आया कि यहाँ कुछ आपस में टिप्पणी हो गई और चूंकि घर बिल्कुल आसपास हैं तो टिप्पणी आपस में सुननी कहा सुननी की बात हो गई और कहा सुननी के बाद आसपास पड़ोस में एक दूसरे के साथ झगड़ा हुआ और झगड़े में फिर एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को गोली मार दी गई। सर, इस क्षेत्र में लगातार इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं और इस तरह के मामले होते रहते हैं, इस पर सर किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी और इसको आगे इसी का कोई घटना होगी इस पर क्या किया जाएगा? नहीं, इस तरह की कोई घटना इस क्षेत्र में प्रकाश में नहीं आई है, ये पहली घटना है मेरी जानकारी में और यहाँ पे पर्याप्त पुलिस बल मौजूद है, पुलिस बल की ड्यूटी यहाँ लगाई जा रही है, मजिस्ट्रेट हमारे साथ मौजूद हैं और सभी लोगों से यहाँ संवाद करके माहौल को वातावरण को अच्छा बनाया जाएगा। प्रेस से भी मैं अपील करूँगा कि अखबार में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ऐसी चीज़ें ना चलाएं जिनका कोई आधार ना हो और जिससे माहौल और सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने का खतरा हो। ऐसा था सर कि 2-4 लड़के यहीं पास बैठ करके जो है अखबार पढ़ रहे थे, तो अखबार में ये कोरोना संबंधित जो दिल्ली से मौलाना लोग भागे हैं उसी पे वो लोग जिक्र कर रहे थे कि ये मौलाना लोग भाग भाग करके पूरे देश में कोरोना फैला रहे हैं। इतने में वो दारू पी करके अगला सोनू आया और उसने पहले मुझे ही एक घूसा मार दिया। ये देखे, मेरा होठ फटा है, मेरे कपड़े पे भी खून आपको दिखाई पड़ रहा होगा। फिर मैं सोचा कि वो नशे में है, मैं उसको ले जा कर उसके घर पहुँचाने की कोशिश किया तो वो वहाँ तक छोड़ करके आया तो हम चले गए फिर 112 नंबर पे फ़ोन करने अपने घर। मोबाइल मेरे पास नहीं था तो मैं घर फ़ोन करने गया तो वहाँ से फ़ोन करके आया तो वहाँ से मैडम बोली कि मैं पहुँचा रहा हूँ। फिर मैं जब यहाँ आया तो यहाँ देखा कि करीब 15-20 लोग 25 लोग स्त्री पुरुष सहित यहाँ आके सबको मार रहे हैं। जिन लोगों ने मारा हाँ, आप लोग पहचानते हैं? हाँ, पहचानते हैं, सभी कोई पहचानता है लगभग। तो वो लोग मार रहे हैं तो मैं फिर भागते गया, फिर 12 नंबर पे मिलाया, 112 पे फिर मिलाया तो मैंने कहा कि मैडम यहाँ हत्या हो गई है और हिंदू मुसलमान लफड़ा लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कृपया फोर्स को भेजिए। तो उन्होंने कहा कि हम तुरंत भेज रहे हैं और उसके 15-20 मिनट बाद फिर फोर्स आई। तब तक यहाँ एक मर्डर हो गया, कई लोगों को ईंटा पत्थर से मारा गया। नाम क्या है जी? मरने वाले का नाम लिखा दिया। अरे उसका क्या नाम है जो मरा? लौटन सर। ये पकड़ा गया कि नहीं मारने वाला? हाँ, एक पकड़ा गया है सर और सब फरार हैं। जिसको पकड़ा गया उसका क्या नाम है? उसका नाम सोना है। घटना ये बक्सी मोड़ा थाना पोस्ट करेली जिला प्रयागराज। कितने बजे की घटना है ये? घटना सुबह करीब 9:30 बजे की। 9:30 बजे करीब जी। मेरा नाम देशराज अकेला, मैं